तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरह। सबसे पहले बहुत टाइम के बाद सूरज को निकलते हुए देखा, इसके बाद इन्फिनिटी को खेलते हुए देखा। सी इज सो क्यूट यार, बहुत प्यारी है वो। जब वो खेल रही तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसके साथ खेल लूं। इन्फिनिटी के साथ खेलने के बाद मैं कुछ सोच रहा था और काफी सोचने के बाद मुझे याद आया कि मैं एक बात अभी तक बोला ही नहीं हूं, तो क्यों ना मैं अब बोल देता हूं। गुड मॉर्निंग। राइड होती है यहां से शुरू और आप रेडी हो जाओ इस राइड के मजे लेने के लिए। अचानक से मौसम भी खराब हो गया है, फिर भी तो मैं निकल गया हूँ घर से। देखते हैं कि मैं डाइक तक पहुंच सकता हूँ कि नहीं। तो लेट्स गो फॉर डाइक। ये रहा इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस, पेट्रोल पंप। इस तरह पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे नेक्स्ट ब्लॉक साइकिल में बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मौसम भी खराब होते जा रहा है और टेंशन भी बढ़ते जा रहा है यार। समझ नहीं आ रहा है कि आगे जाऊँ या बैक हो जाऊँ। अब आ गया हूँ तो क्यों ना आगे चले ही जाता हूँ, क्या बोलती पब्लिक भाई। तो अब सीधा मिलते हैं आपको राइड डाइक में। तो डाइक हम पहुंच चुके हैं और इसका व्यू कुछ इस तरह है यार। यहाँ का व्यू सच में बहुत अच्छा है, बहुत शांति है और यहाँ पर घंटों भी बैठ जाओगे ना आपको पता नहीं चलेगा, सच बता रहा हूँ। ये जगह दिखाने का एक रीज़न भी है जो कि मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा, तब के लिए आप व्यू का मजा लो। पिकनिक मना करके जब वो रिटर्न आ रहे थे तो ज़्यादा लोग नाव में बैठने के कारण वो नाव डूब गया और तकरीबन 40 से 45 लोग की डेथ हो गई। तो ये रहा यहाँ का सैड स्टोरी। कहते हैं ना पानी जितना खूबसूरत होता है उससे ज़्यादा खतरनाक होता है, तो कुछ इसी तरह का इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था। ये हो गया डाइक का फ्रंट साइड, अब चलते हैं हम बीच में। वहाँ से भी यार कमाल का नज़ारा मिलता है, सच बता रहा हूँ, आप एक बार देखना आपको सच में खुद रियलाइज हो जाएगा। हैंडसम लग रहा डाइक। ये डाइक हमारे शहर का खूबसूरत जगहों में से एक है और सच बता रहा हूँ भाई, यहाँ पर घंटों आकर के बैठ जाओ,
पता नहीं चलेगा, इतना अच्छा लगता है यहाँ पर। हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये हीराकूद से जुड़ा हुआ है और हीराकूद भाई हमारे शहर का वो शान है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, स्टाइल मानो ना यार, सच में भारी पड़ गया। मैं सोचा क्यों ना अच्छे अच्छे फुटेज उठा लूं, और जैकेट उतारने के बाद पता चला यार इतना ज़्यादा ठंडा है, मौसम ना बहुत क्लाउडी है। मैंने अभी ठंड बोला क्या? ठंड ठंड मेरे को छू भी नहीं सकता, ठंड कहाँ है, ठंड ठंड तो लग रही नहीं। This place is really nice, view wise and photo wise. अगर आप ओडिशा से हो या ओडिशा से बाहर के हो, इस जगह एक बार घूमने तो जरूर आना। This place is really nice यार, सच में। देवदास लोगों के लिए ये जगह तो बेस्ट है, लेकिन पार्टी करने के लिए और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी ये जगह मस्त है यार। तो यहाँ पर होता है कहानी समाप्त। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कर देना, ताकि आपके शेयर करने की वजह से काफ़ी लोगों को इस जगह का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और वो घूमने आ सकेंगे। ओके बाय।